Hello friend, I myself Sujit, a physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 12 of IRODOV. Three points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity V constant in modulus, with the first point heading continually for the second and the second for the third and the third for the first. How soon will the points converge? इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पर तीन पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। पार्टिकल ए बी की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल सी ए की तरफ मूव कर रहा है और पार्टिकल बी सी की तरफ मूव कर रहा है। यदि कुछ ये तीनों पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो ये यहाँ पे आके कॉन्साइड करेगा, यहाँ पे आके कॉन्साइड करेगा और ये यहाँ पे आके इस तरीके से सेंटर पे तीनों का तीनों कोलाइड करेगा पार्टिकल। कैलकुलेट करना है कितने देर के बाद ये तीनों पार्टिकल कोलाइड करता है, ठीक है, तो हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। देखिएगा, इसका वेलोसिटी भी इस तरफ दिया हुआ है, तो ये जो एंगल, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये वेलोसिटी भी इधर है, तो इसका ये इस वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए का जो इधर का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भी कॉस 120 डिग्री, ये आ जाएगा। और ये तो भी है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के सेपरेशन कम होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, dl by dt इक्वल्स टू भी माइनस भी कॉस 120 डिग्री, ठीक है। भी को यदि कॉमन कर लें, 1 माइनस कॉस 120 डिग्री होगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, 3V/2, ठीक है। dl by dt इक्वल्स टू 3V/2 और ये आ गया, तो dl इक्वल्स टू आ गया 3V/2 dt, ठीक है। तो इन दोनों का सेपरेशन शुरू में कितना था, a दिया हुआ था, ये सेपरेशन दिया हुआ है दोनों, ठीक है। तो कितने देर के बाद ये कोलाइड करेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 to a 0 to t, ठीक है। तो ये आ गया a इक्वल्स टू आ गया 3V/2 t, तो टाइम का वैल्यू 2a/3V आ जाएगा, 2a/3V आ जाएगा। इतने देर के बाद ये सारा का सारा तीनों का तीनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा, ठीक। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 को हम दूसरे मेथड से बना के देखते हैं। ये तीन पार्टिकल है, ये इधर भी दिया हुआ है, इसका इधर भी दिया हुआ है, इसका इधर भी दिया हुआ है। हम किसी भी पार्टिकल, एक पार्टिकल पे कंसंट्रेट करें तो ये हमेशा इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब यदि ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर ले, देखिए ये a by 2 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं, इसको सपोज डेट x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो x cos 30 डिग्री इक्वल्स टू a/2 x आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स x इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 a/2, तो x का वैल्यू आ गया a/√3, इतना डिस्टेंस हो गया, x का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है भी कॉस 30 डिग्री, इसके कारण इसको x डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो भी कॉस 30 डिग्री इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट a/√3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 a/√3, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 2a/3V, ये टाइम आ गया। तो ये एक शॉर्ट
मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।